Hey guys, आज आ चुके हैं क्रिकेट खेलने के लिए। अपने घर के आसपास एक ग्राउंड है, SS कॉलेज के पास, वहीं आए हैं। काफ़ी दिनों के बाद आए हैं और हमको ग्राउंड में तो कोई दिख नहीं रहा है, बस दो तीन बैल दिख रहा है और भी है इधर प्लेयर, तीन चार को है इधर। तो चलिए अब खेलते हैं क्रिकेट काफ़ी दिनों के बाद और बहुत मज़ा आने वाला है, तो आप लोग कंटिन्यू रहिए ब्लॉग पे। चलिए लोग देख सकते हैं ग्राउंड का व्यू, देख सकते हैं ये है SS कॉलेज और यह क्या बन रहा पता नहीं। ये रहा पिच और यहाँ पे अभी प्रैक्टिस चल रहा है। अगेंस्ट टीम का प्लेयर सब है, टीम का प्लेयर सब आ रहे हैं धीरे धीरे तो जा रहा है। तो टॉस क्या आया जीत गया। तो क्या लेगा क्या तुम लोग बताओ? अच्छा तुम लोग बैटिंग करेगा, बताओ रीजन बताएगा तब ना क्या। लाइट बहुत अच्छा है, अंधेरा हो जाएगा तो खेलने में प्रॉब्लम होगा, इसलिए चलो देखते हैं। अब लोग का आ गया बॉलिंग और उन लोग करेंगे बैटिंग, फिर से और का मैच होने वाला है। चलिए टीम से आ रहे हैं बैटिंग करने के लिए बउआ और इधर है गुड्डू और हमारे बॉलर दिलखुश और हमारे फील्डर चारों तरफ लग चुके हैं। और यहाँ का नियम भी बहुत अलग है, मतलब है कि बाहर जाएगा तो बॉल आउट हो जाएगा और इधर का भी आउट है, बस स्टेट में छक्का मार रखा है, बहुत सारा नियम कानून है। अब पहला विकेट गिर गया है गुड्डू सस्ता में चल गए। अब नेक्स्ट जो उस पर आया है अंकित, अगला बॉल दिलखुश, क्या करते हैं अंकित देखते हैं। और ये काफी खतरनाक बॉलिंग, गया बॉल पीछे, तीन बॉल हुआ, चार बॉल, चौथा बॉल लेके दिलखुश फिर से और ये अंकित का बल्ला चला लेकिन गया झाड़ी में बॉल, और फील्डर जा रहे हैं बॉल पकड़ने के लिए। एक रन हुआ, पहले बॉल सिंगल गया बउआ, अब बउआ का बॉल नीचे रहा, बाल बाल बचे विकेट से। अब पहला ओवर की समाप्ति पे कितना रन, ओवर दो रन एक विकेट के नुकसान पे। अब दूसरा बॉल लेके आ रहे रवि, पहला बॉल स्ट्राइक पे अंकित और वाइड बॉल और ये गया फिर से कुछ नहीं, एक रन। चौथा बॉल लेके रवि तिवारी स्ट्राइक पे उज्जवल और फिर से मारा बाउंसर लेकिन कुछ नहीं कर पाया और एक रन। तिवारी जा रहे हैं बॉल लाने के लिए, बॉल चल गया पानी में। लास्ट बॉल स्ट्राइक पे अंकित, क्या करते हैं देखते हैं। और लास्ट बॉल काफी नीचे रहा और कोई रन नहीं, काफी चालाकी बॉलिंग की रवि तिवारी। दो ओवर की समाप्ति पे 12 रन के फिर से दिलखुश और ये लगा बॉल लेकिन बॉल हो गया डेड बॉल और ये लगा बॉल गया झाड़ी पे। तीन ओवर की समाप्ति पे 13 रन। अब अगला बैट्समैन आ गए हैं बादल, उनका नया गेंदबाज प्रदीप काफी खतरनाक स्पिन करते हैं, काफी जाने वाने बॉलर प्रदीप और स्ट्राइक में बउआ और ये बॉल गया बाहर लेकिन एक रन। नया बैट्समैन बादल, देखो क्या करता है बादल। और पहला बॉल सिंगल निकाल लिया चुका है, अगला बॉल फिर प्रदीप लेके और ये लगा लेकिन कुछ नहीं कर पाए, बॉल घुमा कीपर के हाथों में। ये बॉल लेके प्रदीप स्ट्राइक पे बादल, देखते हैं क्या करते हैं। और ये गया बल्लेबाज हो गया स्टंप, बैट्समैन आ रहे हैं इन लोग का सूरज और हम लोग ओवर चार ओवर की समाप्ति। बउआ भी आउट हो गया है, दिलखुश का काफी खतरनाक बॉलिंग और इन लोग का टीम का स्थिति बहुत खराब है। अभी अगला बल्लेबाज आ गए हैं रोमो, क्या करते हैं देखते हैं, जो मैच को जिताया है। अब दिलखुश का काफी खतरनाक बॉलिंग हो रहा है, अपना लेस बांध रहा है और हमारे टीम के कप्तान फील्डिंग सजा रहे हैं चारों तरफ। अगला बॉल लेके दिलखुश स्ट्राइक पे रोमियो और ये पहला बॉल ही हाई मार दिए हैं फिर से रवि तिवारी, क्या करते देखते हैं। और ये रवि तिवारी ने क्या छोड़ दिया, काफी इजी कैच था लेकिन कोई बात नहीं, काफी अच्छा प्रयास किए थे रवि जी। सूरज और सूरज का काफी खतरनाक डिफेंस, 29 रन हो चुका अभी तक और कितना गेंद हुआ, चार बॉल शायद हुआ हो गया बॉल बाहर, काफी खतरनाक बल्लेबाजी फिनिशर की तरफ से, लगातार दो छक्के मारे हैं। अब देखते हैं आखिरी बॉल क्या करते हैं और लास्ट बॉल में भी काफी खतरनाक शॉट लेकिन देखते हैं फील्डर लोग पता नहीं, लेकिन रवि सबसे अच्छा फील्डिंग और ये रन आउट से बाल बाल बच गए फील्डर, बढ़िया ओवर और बॉलर
प्रदीप स्ट्राइक पे है, सूरज देखते हैं क्या करते हैं। पहला बॉल क्या हो गया, 6 रन। ये बल्लेबाज जब से उतरे तब से अभी तक का 3रा छक्का मार चुके हैं, काफी खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे हैं ये बल्लेबाज प्रदीप। अब देखते हैं दूसरा बॉल क्या करते हैं, और दूसरा बॉल गया गया गया, शायद आउट हो जाएगा क्योंकि यहाँ वहां से उधर मारने का आउट है, नियम बहुत अलग है यहाँ का, और इधर भी मारने का आउट है इधर, इसलिए बल्लेबाज आउट हो गया। अब अगला बल्लेबाज ये कौन है पता नहीं, न्यू बल्लेबाज, लास्ट डबल बचा हुआ है और ये बल्लेबाज काफी प्रयास कर रहे लेकिन नहीं लग रहा है। ओवर का लास्ट बॉल देखते हैं क्या करते हैं, और स्ट्राइक पे है रोमियो का अंतिम बॉल लेके प्रदीप, स्ट्राइक पे रोमियो, कहाँ गया रे बॉलर, काफी दूर चल गया और लगा शॉर्ट बॉल लेकिन कीपर क्या छोड़ दिया। तो तुम लोग कितना रन हुआ तुम लोग का, तो इन लोग का टीम का हो गया 43 रन, और जीतने के लिए हम लोग को चाहिए 44। क्या है लाइन लाइन पर, और ये अगली पारी का शुभारंभ हो चुका है, बॉलर हमारे उज्जवल कुमार सिंह, अगली बॉल दूसरी इनिंग की पहले गेंद लेके चहल कदमी करते हुए, और ये बॉलर पहले बॉल लेके तैयार, साइड स्पिन में कुछ प्रॉब्लम गेंद का सामना करेंगे अमित, और ये कवर्स में मार दिए हैं 1 रन के लिए। ओवर की दूसरी बॉल लेके तैयार, बैट्समैन बैट लेके तैयार, और ये खतरनाक एज लगा, कीपर कैच छोड़ चुके हैं। पहले ओवर की तीसरी बॉल प्रदीप के लिए, और खतरनाक डिफेंस करते हुए इसके साथ बढ़ता हुआ स्कोर 1 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे, और ये उठा के मार दिए हैं सीधा स्टेड में, और ये 6 रन, बहुत ही खतरनाक बैटिंग यहाँ चलता हुआ प्रदीप माथा के द्वारा, बहुत ही आक्रामक पारी खेलते हुए यहाँ, और ये दूसरी बॉल उठा दिए हैं लॉन्ग ऑफ के ऊपर, और ये कैच छूट चुके हैं, और ये 1 ओवर समाप्त हो चुके हैं 15 रन के स्कोर पे बिना किसी विकेट के नुकसान पे। दूसरी ओवर का लेके आते हुए रोमो, ओवर द विकेट मीडियम पेस, बैट्समैन तैयार बैट लेकर के, और ये पहले गेंद, और ये खतरनाक डिफेंस सीधा शॉर्ट फील्डर के हाथों में गई है, 1 रन लग चुकी है। दूसरी बॉल बॉलर लेके आते हुए प्रदीप मदा के लिए, और ये सीधा फुल टॉस उठा दिया लगन के ऊपर से, और ये 6 रन हो चुकी है। यहाँ खतरनाक बैटिंग का प्रस्तुत करते हुए प्रदीप, अगली बॉल बॉलर लेके तैयार, बैट्समैन बैट लेके तैयार, और ये एज लगी है, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए प्रदीप, और ये सीधा बॉल फेंक जल्दी, और ये खतरनाक फील्डिंग करते हुए सूरज अपने टीम के लिए रन बचाते हुए, दोनों बल्लेबाज रणनीति अपनाते हुए लेके आते हुए सूरज जो कि बाएं हाथ के बॉलर हैं। तीसरी ओवर की पहली गेंद प्रदीप सामना करते हुए, और ये सीधा पैरों पे डालिए बॉल, तीसरी ओवर की दूसरी गेंद फेंकते हुए सूरज, और ये वाइड फेंक चुकी है, बढ़ता हुआ स्कोर 29 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पे, और ये बॉल स्लॉट में उसे उठा दिए लगन के ऊपर से, और ये 6 रन जाता हुआ, इसके इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 34 रन। काफी खतरनाक मूड में नजर आ रहे हैं प्रदीप, पूरा आक्रामक पारी खेलते हुए प्रदीप, बॉलर सूरज कुमार काफी प्रेशर रिलीज करते हुए अपनी अगली बॉल लेकर के तैयार, और ये बैट्समैन प्रदीप के द्वारा बॉल को कवर्स में धकेलते हुए सिंगल प्राप्त किया है, इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 35 रन। अमित अगली बॉल का सामना करेंगे सूरज का, और ये बैक फुट से सीधा पंच किए हैं 6 रन के लिए, बहुत ही बेहतरीन शॉट, फ्लैटेड शॉट थी, सीधा बाउंड्री में जाके टकराई है जिसके कारण कि 6 रन हो चुकी है, इसी के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 42 रन। जीत के लिए 1 रन चाहिए यहाँ से, बैटिंग अमित लेके तैयार, और ये 1 रन के लिए खेल दिए लॉग ऑफ के क्षेत्र में, यहाँ सिंगल हो चुकी है जिसके साथ हमारी टीम
मैच जीत चुकी है।